हिमाचल लोकसभा चुनाव आचार संहिता के बीच महिला 1500 रुपए सम्मान निधि वाले आवेदन फॉर्म जमा हो सकेंगे। परियोजना के लिए बजट मंजूर सहित अन्य औपचारिकताएं आचार संहिता हटने के बाद ही पूरी हो सकेंगी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण निदेशालय ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बिना फोटो वाले आवेदन फॉर्म ही जमा होंगे। फोटो लगे हुए आवेदन फॉर्म को जमा नहीं किया जाएगा। बिना फोटो वाले आवेदन फॉर्म अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट www.eso.msa.hp.gov.in पर उपलब्ध है। स्पष्टीकरण के बाद अब 19 मार्च से तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों में आवेदन फॉर्म लेना फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर आदि जिलों में कल्याण विभाग ने फॉर्म जमा करने पर रोक लगा दी थी। आचार संहिता में इस प्रक्रिया पर साथ ही निदेशालय से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशालय से स्पष्टीकरण मिल गया है। निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग किरण भड़ाना ने बताया कि जिला कल्याण कार्यालयों को स्पष्टीकरण भेज दिया गया है। हमीरपुर जिला कल्याण अधिकारी और कांगड़ा जिला कल्याण अधिकारी का कार्यभार देख रही गीता मरवाहा ने कहा कि स्पष्टीकरण मिल गया है। योजना के तहत बिना फोटो वाले फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। मंगलवार से तहसील कल्याण कार्यालयों में फिर से फॉर्म जमा करने शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे फॉर्म जमा करवाने में जल्दबाजी ना करें, आराम से सुविधा के अनुसार फॉर्म जमा करवाएं, क्योंकि योजना के लिए बजट आदि की मंजूरी आचार संहिता के बाद ही होगी। ऐसे में महिलाओं के पास 2 से 2.5 माह का वक्त है। इस दौरान में वे कभी भी फॉर्म जमा करवा सकती हैं।